हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर आया हूँ 6 जुलाई 2018 के करंट अफेयर्स। सो जैसा कि हमने मतलब कि जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, हम करंट अफेयर्स के रूप में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही दे रहे हैं। करंट अफेयर क्वेश्चंस के रूप में, हम क्वेश्चंस के रूप में करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश हम ये दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो जनता है उनको मतलब कि हम बराबर मतलब कि एक ही तरीके से सर्व कर सकें। इसके अलावा जो है, यदि आपको इनसे ज़्यादा हम करंट अफेयर क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारे ऑनलाइन तैयारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं या www.onlinetaiyari.com पे भी देख सकते हैं। प्लस हम इसके अलावा जो है इनके जो है इवनिंग अपडेट्स हम 6:30 बजे हिंदी में और 7 बजे इंग्लिश में देते हैं। और जो जून महीने के जो पूरे करंट अफेयर्स हैं वो हम आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करते हैं, जो कि मात्र 35 रुपये में है। ये जो पीडीएफ है इसमें आपको 200 से ज़्यादा जो है एग्ज़ाम फोकस टॉपिक्स मिलते हैं, प्लस आपको 50+1 जो है करंट अफेयर क्वेश्चंस मिलते हैं और 300+ वन लाइनर्स मिलते हैं रिवीजन के लिए। ये जो करंट अफेयर पीडीएफ है मात्र 35 रुपये में है, या फिर आप तैयारी प्लस का मेंबर बन के 399 रुपये में 12 महीनों की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला करंट अफेयर क्या है। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। तो काफ़ी लोगों ने, हालांकि ऑप्शन वहाँ पे 1969 नहीं था, बट इनफैक्ट ये है कि इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुई थी और कुछ लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन टू शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। क्या है, सागरमाला परियोजना के तहत क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिपिंग निगम यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे हमने ऊपर देखा, को कितनी रकम दी जाएगी। आपके ऑप्शंस है 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ या 800 करोड़। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ए, यानी कि 500 करोड़। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें दो चीज़ समझने वाली है कि क्रूज टूरिज्म क्या है और सागरमाला जो परियोजना है ये क्या है। तो जैसा कि हमने अपने पहले जून के वीडियोस में जो है हमने सागरमाला परियोजना के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है, तो हम यहाँ पे जो है काफ़ी ब्रीफ में बता देंगे कि सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है और क्रूज टूरिज्म क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैप में हम देख सकते हैं कि टोटल जो है पूरे ये आपका जो पश्चिम जो तट है और जो ये पूर्वी तट है, सो पश्चिम और पूर्वी तट में जो है कितने हैं, टोटल कुल मिला के 12 मेजर पोर्ट्स हैं। और ये क्या है, ओशन एक नेकलेस के रूप में ये शेप बनता है, अगर आप देखेंगे तो एक नेकलेस के रूप में शेप बनता है, तो इसको हम ओशन नेकलेस के रूप में भी सागरमाला प्रोजेक्ट को जानते हैं, यानी कि सागरमाला। ठीक है, तो इसके तहत क्या है कि इन 12 मेजर पोर्ट्स के अलावा जो है ऐसे 6 बंदरगाह डेवलप करना, जिससे कि मतलब कि पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है अंदर जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है उनसे जो है उनको सुधारा जा सके। और प्लस जो है इस परियोजना पे जो कुल लागत आएगी लगभग 8 लाख करोड़ की जो है ये कुल लागत आएगी इस परियोजना पे। अब क्रूज टूरिज्म की बात करते हैं, तो क्रूज टूरिज्म जो है बेसिकली क्रूज शिप्स जो है आप जानते होंगे, सो क्रूज शिप्स वो होते हैं जहाँ पे कि हर तरीके की अमेनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको मतलब कि बाहर जो है किसी चीज़ की आवश्यकता ना हो, क्योंकि समुद्रों में तो कोई चीज़ मिलेगा नहीं, तो इसलिए शिप पे ही सारी जो अमेनिटीज होती हैं वो प्रोवाइडेड होती हैं। ये इसका क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने का जो है आइडिया इसलिए है क्योंकि भारत में जो पर कैपिटा इनकम है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो क्रूज टूरिज्म भी टेक प्लेस करने लगता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गवर्नमेंट जो है क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रही है, किसके तहत, सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, क्या है कि यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज सेड अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट सेंटर विल प्रोवाइड 500 करोड़ रुपीज टू शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाई टू लीज आउट क्रूजेस टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म। सागरमाला, जैसा कि हम देख सकते हैं सागरमाला क्या है, सागरमाला जो है 16 लाख करोड़ रुपए की एक परियोजना है जिसमें बंदरगाह कनेक्टिविटी, बंदरगाह मशीनीकरण और आधुनिकरण शामिल है। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल्सो स्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अराउंड डेवलप्ड पोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि विकसित बंदरगाहों के आसपास औद्योगिक समूहों की स्थापना कार्यक्रम का भी एक हिस्सा है।
इसके अलावा जो है यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है सागरमाला और भारतमाला प्रोजेक्ट में। तो सागरमाला जो है ये बंदरगाह कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, तो उसी तरीके से जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये जो है आपका रोड कनेक्टिविटी से संबंधित है। तो इस पे जो कुल लागत है जैसा कि हम देख रहे हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है, तो उसी तरीके से आपका जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये है 5.35 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत जो है 83,000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है रोड को कनेक्ट किया जाएगा। तो यह है भारतमाला किससे है, रोड कनेक्टिविटी से, और इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है इसको मंजूरी दी थी 2017 में, और इसको जो है जो सागरमाला प्रोजेक्ट है इसको जो है 2015 में मंजूरी दी गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच फॉर्म ऑफ इंसिडेंट्स, आपको यह बताना है विच फॉर्म ऑफ इंसिडेंट्स द सेंटर हैज आस्क द स्टेट्स टू टेक मेजर्स टू कर्ब इट। सो किस तरह की घटनाओं के खिलाफ केंद्र ने राज्यों से इसे रोकने के उपायों को लागू करने के लिए कहा है। सो आपके ऑप्शंस है डॉरी डेथ्स यानी कि दहेज द्वारा मौत, मॉब लिंचिंग, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा, और चाइल्ड अब्यूज दैट इज बाल शोषण। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है मॉब लिंचिंग। सो बढ़ती हुई जो लिंचिंग यानी कि जो बढ़ती हुई लिंचिंग की घटनाओं है यानी कि भीड़ द्वारा जो मतलब कि पब्लिक को मारा जा रहा है, तो उसके जो घटना है उसके मद्देनजर जो है अभी ट्यूजडे को ही यानी मंगलवार को, बीते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था कि उसमें यह कहा गया था कि काऊ विजिलेंटलिज्म यानी कि काऊ अति सतर्कता के आड़ में जो है आप लिंचिंग को नहीं फैला सकते, और जो है इसकी जिम्मेदारी राज्य के पास ही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है एक राज्य का सब्जेक्ट है। सो राज्य को ये इंश्योर करना है कि लिंचिंग जो है ना हो। तो उसी और ये जो सेंटर का जो डायरेक्शन है स्टेट्स को, ये हालांकि काउ विजिलेंटलिज्म से नहीं रिलेटेड है, रादर जो है ये तो सोशल मीडिया से जो अफवाह फैल के जो लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, लगभग 20 से 30 घटनाएं हो चुकी हैं पिछले कुछ माह में, तो वो जो घटनाएं हो रही हैं उस उनके जो मद्देनजर है ये सेंटर ने जो है राज्यों से कहा है कि आप जो इन लिंचिंग्स के खिलाफ जो है भीड़ की जो मानसिकता लोगों को मारने की है इसको निपटने के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है और आप जो है इसके लिए मेजर्स लें। सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि द सेंटर आज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू चेक इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग फ्यूल्ड बाई र्यूमर्स ऑफ चाइल्ड लिफ्टिंग ऑन सोशल मीडिया। प्लस एक अन्य मामले में जैसा मैंने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गाय संरक्षण के नाम पर लिंचिंग सहित सभी तरह के अति सतर्कता से निपटने के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये जो है राज्य जो है लिंचिंग के, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, तो राज्य ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो है जो सोशल मीडिया से संबंधित है, हमने अभी देखा था उस इस डायरेक्शन से एक दिन पहले ही यानी कि कल थर्सडे था, कल थर्सडे को सेंटर ने राज्यों से कहा है, तो वेडनेसडे को केंद्र ने जो है व्हाट्सएप को एक वो कहा था, यानी कि जो आईटी मिनिस्टर है हमें हमारे रवि प्रसाद जी, तो उन्होंने जो है ये व्हाट्सएप को कहा था कि आपके जरिए जो भी पोस्ट आ रहे हैं उससे जो अफवाह फैल रही हैं और लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं उससे निपटने के लिए आप कोई ठोस प्लान लेके आए। तो व्हाट्सएप ने मतलब कि ऐसा ही एक प्लान जो है सुझाया है, और जिसके तहत कुछ कुछ जो मतलब प्लान है उसमें ये है कि पहला जो है कि अगर एक बार किसी बंदे ने कोई ग्रुप छोड़ दिया तो वापस जो है उसको कोई उसको आप ऐड नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अगर जो व्हाट्सएप में जो ग्रुप होता है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, ठीक है, उसी को एनेबल कर दिया जाएगा कि कौन मैसेज भेजेगा ग्रुप के विदिन ही। और तीसरा जो है वो व्हाट्सएप कह रहा है कि एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रहे हैं जिसके तहत क्या होगा कि आप ये देख पाएंगे कि कौन से फॉरवर्डेड मैसेज हैं और कौन से ओरिजिनल मैसेज हैं, यानी कि जो ओरिजिनली क्रिएट किए हैं और कौन से फॉरवर्डेड हैं। तो ऐसे जो है आप जो है कहने का मतलब क्या है कि आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन से अफवाह वाले मैसेज है और कौन से ओरिजिनल मैसेज है। तो ये है व्हाट्सएप का प्लान। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट।
सो आपको बताना है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। तो आपके ऑप्शंस है ब्रसेल्स, स्ट्रेसबर्ग, लग्जमबर्ग या बर्न। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ब्रसेल्स है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। हालांकि यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इनफैक्ट ब्रसेल्स, स्ट्रेसबर्ग और लग्जमबर्ग तीनों जगह पे ही यूरोपियन पार्लियामेंट का संसद होता है, लेकिन स्ट्रेसबर्ग और ब्रसेल्स में जो है प्लेनरी सेशन होता है, और जो है आपका मतलब कि ब्रसेल्स में हेडक्वार्टर है। तो ये हमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, तो इसका क्वेश्चन जो है इसलिए पूछा है क्योंकि अभी क्या है कि कल ही जो है यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, यानी यूरोप की जो संसद है, जो कि जिसका कि हेडक्वार्टर जो है आपका ब्रसेल्स में है, उसने क्या किया है कि आपका यूरोपियन यूनियन जो है, इट हैज रिजेक्टेड अ हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट लॉ प्रपोजल, यानी कि यूरोपीय संघ का कॉपीराइट कानून को जो है यूरोपीय संसद ने मतलब कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, और ये बहुत ही एक विवादास्पद था, इट वॉज हाईली कंट्रोवर्शियल। सो ये है क्या, बिकॉज द ड्राफ्ट लॉ हैज बिन फर्मली रेजिस्टेड बाई मेजर यूएस टेक जाइंट्स एज वेल एज एडवोकेट्स ऑफ इंटरनेट फ्रीडम एंड स्पेशली आर्टिकल 11 एंड 13। आर्टिकल 11 एंड 13 ऑफ द लॉ हैज बिन हेविली क्रिटिसाइज। सो अगर हम देखें तो आर्टिकल 11 डील्स विथ न्यूज मीडिया रिफॉर्म्स एंड आर्टिकल 13 मेक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लीगली लायबल फॉर कॉपीराइटेड मटेरियल पुट ऑन वेब बाय यूजर्स। तो यानी कि अगर हम इसका हिंदी में संस्करण देखें तो क्या है, यूरोपीय संसद ने बेहद विवादास्पद यूरोपीय संघ कॉपीराइट कानून प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मसौदे कानून का अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों और इंटरनेट स्वतंत्रता के समर्थकों द्वारा जोरदार विरोध किया गया है, विशेष रूप से अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 13 की भारी आलोचना की गई है। सो अनुच्छेद 11 क्या कहता है, ये समाचार मीडिया सुधार से संबंधित है, और अनुच्छेद 13 जो है ये उपयोगकर्ताओं द्वारा वेब पर पोस्ट की गई कॉपीराइट सामग्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाता है। सो दैट मीन्स, अब आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आर्टिकल 11 जो न्यूज मीडिया रिफॉर्म है, इट विथ विच इट इज रिलेटेड, सो व्हाट इज इट। सो आर्टिकल 11 सेज दैट कि इट हैज बिन प्रपोज्ड बाय जो बिग न्यूज मीडिया है लाइक AFP, दे से दैट कि जो भी फ्री न्यूज हैं, सो दे आर अंडरमाइनिंग द रेवेन्यू शेयर ऑफ द बिग न्यूज मीडिया, एंड सो जो नॉन कॉपीराइट जो न्यूज हैं अवेलेबल ऑन से गूगल और आपका यूट्यूब, दैट शुड बी डन अवे विथ। सेकेंडली जो है आर्टिकल 13 है, ये क्या कहता है कि इफ समवन इज पोस्टिंग सम मटेरियल ऑन सम वेब, सो द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन विच इट इज पोस्टेड, सो इट विल द कॉपीराइट जो होगा फॉर दैट कॉपीराइट लीगली दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी पोस्ट होगा उसके लिए क्या है, जिस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हुआ है वही जो होगा उसके लिए लीगली लायबल होगा। और आर्टिकल 11 में क्या है कि जो भी बड़े समाचार पत्र हैं या मीडिया हैं, वो ये चाहते हैं कि जो नॉन कॉपीराइट मटेरियल है और जो फ्री न्यूज़ है वो जो है पोस्ट ना हो, क्योंकि इससे क्या है कि जो आपका उनका जो रेवेन्यू शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन जो इंटरनेट फ्रीडम के एडवोकेट हैं वो ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर, ये जो है जो भी क्रिएटिविटी है उसको खत्म कर देगा। तो चलिए अब आपको खास करके अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 13 और आर्टिकल 11 और आर्टिकल 3 हैज टू बी कंपल्सरीली रिमेंबर्ड एंड इट इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट लॉ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा अगला है कि विथ विच कंट्री इज 2015 न्यूक्लियर डील एसोसिएटेड, यानी निम्नलिखित में से किस देश से 2015 का परमाणु संधि संबंधित है। सो ये नॉर्थ कोरिया है या पाकिस्तान है, ईरान है या फ्रांस है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दिस इज सी, यानी कि आपका ईरान है। सो ये जो है मतलब कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम देखते हैं ईरान एंड ऑस्ट्रिया, सो ईरान प्रेसिडेंट इरानियन प्रेसिडेंट रोहानी इज ऑन विजिट टू ऑस्ट्रिया, सो ड्यूरिंग दैट टाइम ईरान एंड ऑस्ट्रिया हैव एग्रीड टू मेंटेन द 2015 ईरान न्यूक्लियर डील डिस्पाइट द यूनाइटेड स्टेट्स विथड्रॉइंग फ्रॉम द एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट वॉज रीच बिटवीन इरानियन प्रेसिडेंट रोहानी एंड ऑस्ट्रियाज चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज इन वियना। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया।
क्या है, ईरान और ऑस्ट्रिया 2015 ईरान परमाणु समझौतों को बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। सो वियना में ईरानी राष्ट्रपति रूहानी और ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कूर्ज के बीच ये समझौता हुआ है। तो ईरान परमाणु समझौता है क्या, व्हाट इज ईरान न्यूक्लियर डील? सो ईरान न्यूक्लियर डील इज फॉर्मली नोन एज द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। व्हाट इज इट फॉर्मली नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, एंड इट वॉज साइंड इन जुलाई 2015 एंड इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ देन यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा। सो इट वॉज एन एग्रीमेंट अग्रीड बिटवीन ईरान एंड P5+1 कंट्रीज। सो दीज P5+1 कंट्रीज वर यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, दैट मीन्स की परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, प्लस जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन। सो द एग्रीमेंट वॉज एम्ड एट इंश्योरिंग दैट तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम विल बी एक्सक्लूसिवली पीसफुल इन रिटर्न फॉर द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस। सो कहने का मतलब ये हो गया कि ईरान का जो परमाणु समझौता है ये P5+1 देशों के बीच में समझौता ये रीच हुआ था। सो P5 मतलब कि जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, सुरक्षा परिषद के, सो वो हैं आपके यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस, प्लस जर्मनी और यूरोपियन संघ। तो ये क्यों एम्ड था, इसका उद्देश्य ये था कि यह सुनिश्चित करना था कि प्रतिबंधों के उठाने के बदले तेहरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो विशेष रूप से शांतिपूर्ण होगा। सो इसमें क्या था कि जो भी ईरान जो भी सेंट्रीफ्यूज डेवलप कर रहा था, तो वो जो है सेंट्रीफ्यूज जो है उनके डेवलपमेंट को वो कम करेगा और जो है उसके बदले में सैंक्शंस को हटाया जाएगा। सो इट वॉज हेल्ड एज अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड सिमिलर कुड हैव इम्पैक्ट एंड सिमिलर डील कुड हैव बिन डन फॉर नॉर्थ कोरिया ऑल्सो। सो अब जो है ट्राजेक्ट्री नॉर्थ कोरिया की थोड़ी अलग हो गई है, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। प्लस क्या है कि हालांकि लेकिन ईरान को लेकर जो यूएस का रुख है, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, वो जो है काफ़ी मतलब कि अनसर्टेन है, या कह सकते हैं कि काफ़ी चिंताजनक है। सो इट्स वरीसम द एटीट्यूड ऑफ यूएस टुवर्ड्स ईरान न्यूक्लियर डील, बिकॉज यूएस हैज ऑलरेडी विदड्रॉन फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील एंड इन मई 2018 यूएस हैड अनाउंस्ड टू इम्पोज सैंक्शंस, एंड इफ यूएस डज सो इट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज बिकॉज ईरान इज वन ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम विच इंडिया इज इम्पोर्टिंग ऑयल, यानी कि ईरान एक ऐसा देश है जहाँ से इंडिया जो है ऑयल को इम्पोर्ट करता है। सो इंडिया पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस क्या है, क्रिटिक्स का ये मानना है कि ऐसा क्यों, यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्यों ऐसा विड्रॉ किया। अगर बात करें देशों की, तो कुछ देश जो है इस डील के खिलाफ हैं। कौन कौन है, यूएस है आपका, इसराइल है और सऊदी अरेबिया है। सो दे आर अगेंस्ट द ईरान न्यूक्लियर डील एंड दे वॉन्ट इट टू बी स्क्रैप्ड डाउन। सो दिस इज द थिंग। सो क्रिटिक्स का मानना ये है कि पहली बात कि ईरान जो न्यूक्लियर डील है दैट इज इनकम्प्लीट, बिकॉज इट जो है इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ईरान फ्रॉम परस्यूइंग बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। सेकेंड ये है कि देर आर एक्सपिरेशन टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, एंड ऑल्सो दैट इट गिव्स अ वेटेज टू ईरान इन द रीजन। सो इन सबसे क्या है, क्रिटिक्स का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर डील इज नॉट सो वेल ड्राफ्टेड। हालांकि यूएस ने तो विड्रॉ कर लिया है, लेकिन बाकी जो इसके साथ के कंट्रीज दे हैव स्टूड बाई ईरान न्यूक्लियर डील। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा है फ्रॉम वेयर वॉज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड ऑन मार्च 8, 2018। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वॉज लॉन्च फ्रॉम कहाँ से, कब, ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे इन 2018। सो आपके ऑप्शन है हिसार, जलंधर, बलिया या झुंझुनू। सो ये जो है झुंझुनू से लॉन्च किया गया था। कहाँ से, झुंझुनू से लॉन्च किया गया था, किसको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को। अब सवाल ये आता है कि हमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, तो क्योंकि अभी जो है अभी न्यूज़ आई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के चलते क्या है कि जो सेक्स रेशियो है राजस्थान के अंदर, यानी लिंग अनुपात जो है, यानी कि कहने का मतलब जो लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है राजस्थान में वो जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, प्लस जो लड़कियों की संख्या है स्कूलों के अंदर वो भी बढ़ गई है, किसके चलते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के चलते। तो क्या है कि सेक्स रेशियो हैज इंक्रीज फ्रॉम 950 फ्रॉम 8
188 to 950 as per 2011 census, and Junjunu and Sikar are among the best performing 10 districts of Beti Bachao Beti Padhao scheme. इसके साथ ही क्या है, प्रेसिडेंट ऑल्सो अवॉर्डेड नारी शक्ति पुरस्कार टू द स्टेट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. सो एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, क्या है कि जो हायर सेकेंडरी लेवल पे जो इनरोलमेंट है लड़कियों का, वो लगभग पिछले 3 साल में 20% से सालाना बढ़ गया है. यानी कि 3 वर्षों से प्रतिवर्ष 20% की बढ़ोतरी हुई है. और 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, सेक्स अनुपात यानी लिंग अनुपात 888 से बढ़कर 950 हो गया है राजस्थान में. और झुंझुनू और सीकर क्या है, ये 10 जिलाओं में से हैं जहाँ पे जो है लिंग अनुपात बहुत ही बेहतर हुआ है. और इसी के चलते राष्ट्रपति ने मार्च 8 यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन राजस्थान सरकार को नारी शक्ति पुरस्कार का जो है अवार्ड भी दिया था. सो चलिए अगला हमारा है, आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि स्पोर्ट्स के अंदर जो है, स्पोर्ट्स के अंदर यानी कि जुआ खेलने की अनुमति जो है खेल के अंदर जो है देने के लिए एक समिति ने रेकमेंड किया है. सो विच कमीशन हैज रेकमेंडेड फॉर अलाउइंग गैम्बलिंग इन स्पोर्ट्स, जुआ खेलने की अनुमति देने के लिए किस आयोग ने सिफारिश की है. सो आपके ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, लॉ कमीशन यानी कि कानून आयोग, इंद्राणी बनर्जी कमीशन और आरएम लोधा कमीशन. सो आपका करेक्ट ऑप्शन है लॉ कमीशन. सो ये जो लॉ कमीशन है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं. सो 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हेडेड बाई जस्टिस रिटायर्ड बीएस चौहान. आपको ये याद रखना है कि जस्टिस जो बीएस चौहान है ये रिटायर्ड हैं, और ये 21वें कानून आयोग के जो हैं ये अध्यक्ष हैं. और पहले कानून आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो थे एमसी सेतलवाद. तो ये 21वें कानून आयोग ने, विधि आयोग ने जो है 5 जुलाई 2018 को 276वीं रिपोर्ट जो है जारी की है, और उसमें ये सिफारिश किया है कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन स्पोर्ट्स बी लीगलाइज एंड रेगुलेटेड, यानी कि खेल में सट्टेबाजी और जुआ वैध और विनियमित हो. सो इससे क्या होगा, दिस वुड अलाउ द गवर्नमेंट टू जनरेट अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि गुड सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू यानी कर राजस्व के रूप में गवर्नमेंट के पास एक अच्छा स्रोत उत्पन्न हो जाएगा. प्लस जो है गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इनैक्ट अ मॉडल लॉ फॉर रेगुलेशन ऑफ गैम्बलिंग विद इन द आर्टिकल 249 और 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको ये आर्टिकल याद रखने हैं, यानी आर्टिकल 249 और 252 के अधीन जो है सरकार एक ऐसा कानून बना सकती है जिससे कि गैम्बलिंग को रेगुलेट किया जा सके, यानी कि अनुच्छेद 249 या 252. इसके अलावा जो है कानून आयोग ने यह भी कहा है कि वन शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब कि कैटेगराइज क्लासिफिकेशन होना चाहिए, देर शुड बी अ क्लासिफिकेशन बिटवीन प्रॉपर गैम्बलिंग एंड स्मॉल गैम्बलिंग. सो प्रॉपर गैम्बलिंग शुड बी ऑफ हाई स्टेक एंड इट इज फॉर द रिचर पीपल, एंड स्मॉल गैम्बलिंग इज फॉर द लो इनकम ग्रुप, यानी कि जो लो इनकम ग्रुप से उनके लिए स्मॉल गैम्बलिंग हो जाएगा, और प्रॉपर गैम्बलिंग हो जाएगा हाई और रिच गाइज पीपल के लिए. इसके अलावा जो है कानून, विधि आयोग ने यह भी कहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, 18 साल से जो कम आयु के हैं, और जिनको सरकार की तरफ से जो है सब्सिडी मिल रहा है, ये भी जो है गैम्बलिंग से बाधित रहेंगे या गैम्बलिंग नहीं कर सकेंगे स्पोर्ट्स के अंदर. प्लस जो है ये भी कहा है कि आधार को एज एन आइडेंटिटी कार्ड यूज किया जा सकता है फॉर आइडेंटिफाइंग बेटर बेटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी बेटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आधार को यूज किया जाए, ऐसा लॉ कमीशन ने कहा है. तो चलिए अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ पढ़ते हैं. हमारा अगला है, विच स्टेट हैज मेड डोप टेस्ट मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट स्टाफ. सो किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डोप परीक्षण अनिवार्य कर दिया है. आपका है ऑप्शन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश. सो आपका करेक्ट ऑप्शन है पंजाब. सो पंजाब ने जो है, पंजाब की सरकार यानी कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, सो ही अनाउंस द गवर्नमेंट डिसीजन टू मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पुलिसमैन टू अंडरगो डोप टेस्ट अक्रॉस स्टेजेस ऑफ द करियर, यानी कि उनके जो करियर में जो भी चरण है उसके दौरान जो है जितने भी पंजाब सरकार के जो भी इम्प्लॉयज हैं या पुलिसमैन हैं उनको जो है डोप टेस्ट अनिवार्य हो जाएगा. अब ये डोप टेस्ट होता क्यों है, व्हाई डज दिस डोप टेस्ट हैपन. सो डोप टेस्ट इज डन टू सी वेदर
Someone is taking drug or using drugs or not. So हमें पता है कि जैसे एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें कि दिखाया गया है ड्रग, जो पंजाब में ड्रग का मेनेंस है और जिससे कि पंजाब इफेक्टेड है, और जो कि एक चुनावी मुद्दा भी बना था ड्रग का जो मेनेंस था पंजाब के अंदर। सो उसी को डील करने के लिए जो है पंजाब सरकार ने ये जो है अहम निर्णय लिया है। और ये जो निर्णय आया है ये उस दिन आया जब मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से कहा कि उनकी कैबिनेट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985, आपको ये याद रखना है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम 1985 में उन्होंने संशोधन करने की बात कही है, जिसके तहत जो है पहली बार जो दवा तस्करी कर रहे हैं या पेडलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं या ड्रग्स की जो तस्करी कर रहे हैं उनको मौत की सजा का प्रावधान किया जाए। सो इसे अमेंड करने के लिए पंजाब सरकार ने अनौपचारिक रूप से यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है। सो चलिए हमारे अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला है, हु टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आपके ऑप्शन है जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, जस्टिस बी एस चौहान, जस्टिस इंद्राणी बनर्जी और जस्टिस बी एन श्री कृष्ण। सो जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी इज द राइट आंसर। सो न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा जो है ये सही उत्तर है। सो आइए देखते हैं आगे। सो जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी हु रिटायर्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट इन जुलाई 2015 टुक ओवर एज चेयरमैन ऑफ कैट। सो ही विल रिप्लेस जस्टिस दिनेश गुप्ता एंड हिज रेन्यूमरेशन हैज बीन फिक्स्ड एट ₹2,50,000 पर मंथ एंड विल होल्ड ऑफिस फॉर अ लिटिल ओवर 3 ईयर्स बिकॉज ही रिटायर्स ही बिकम सिक्सटी ही बिकम्स ही अटेन्स द एज ऑफ 68 ऑन अगस्त 1, 2021। सो अब जो है कैट जो है ये इसका वर्णन कहाँ पे है? सो यानी जो कैट है यानी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि आपका जो है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसका जो है मेंशन संविधान के 14वें ए भाग, यानी कि भाग 14वें ए में जो है, यानी कि पार्ट 14A में जो है इसका मेंशन किया गया है कैट का। और इसमें क्या है कि ये जो है पार्ट था 14A, दिस वॉज एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से इसको ऐड किया गया था। और जो आर्टिकल्स जो हैं जो कि कैट से डील करते हैं वो है अनुच्छेद 323A और 323B, जो कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य ट्रिब्यूनल जो है से डील करते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 323A और 323B। सो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, और यदि आपको हमारा करंट अफेयर्स पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, प्लस जो है बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस पाना भी ना भूलें। धन्यवाद।